गुड मॉर्निंग एवरीवन, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक कल से ही ट्रेंड में आ चुका है और अभी भी ट्रेंड में ही चल रहा है। 1.4 मिलियन के साथ नंबर वन ट्रेंड पे यही मुद्दा है कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, यूपीपी #यूपीपी पेपर लीक। लेकिन भाई भर्ती बोर्ड ने भी अपना अभी जवाब दिया। भर्ती बोर्ड ने कल भी जवाब दिया था, जब 17 की सेकंड शिफ्ट का वायरल हुआ था तो उन्होंने कल ही जवाब दिया था। उन्होंने बताया भाई ये एडिटिंग है। चलो वहां पर हम भी थोड़ा मान गए थे कि हाँ भाई एडिटिंग है और किसी ने कोई खास वीडियो भी उस पर नहीं बनाई। हमने वीडियो हालांकि बना दी थी कि भाई पेपर लीक की ऐसी ऐसी उड़ रही बात है, अगर सच साबित होती तो दोबारा परीक्षा हो सकती है। लेकिन वहां पर कुछ आगे नहीं हुआ। लेकिन जो कल शाम को हुआ ना, 18 तारीख की शाम को जो मीटिंग वायरल हुई वो बच्चे से, सुबह से ही वायरल हो रही चीजें और शाम को पेपर हुआ, उसको लेके भाई साहब इतना ज्यादा वो हंगामा कर चुका है ना। और सच में हर एक कोई भी ऐसा टीचर नहीं है इस समय जो शांत बैठा हो। हर कोई बड़ा बड़ा टीचर, विवेक सर तो पूरी रात बेचारे लगे रहे इसी चीज पर, है ना। बाकी के जितने भी टीचर हैं सभी साथ आपके आ चुके हैं और हर कोई आपके लिए, इंसाफ के लिए ही लड़ रहा है कि भाई आपको इंसाफ मिलो। सच भी है, देखो ऐसा होना भी चाहिए, कोई भी भर्ती हो निष्पक्ष होनी चाहिए। अभी मानो वो पेपर वायलर हुआ है, 50-60 हजार को भी मिल गया ना, तो वो तो भाई बहुत ज्यादा टॉप कर जाएंगे, वो नौकरी पूरी चलेगी वहीं पर। फिर आप 120 करके आए, 125 करके आए, 130 क्वेश्चन सही करके आए, उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर वो मानो कितना एग्जाम लीक हुआ है, किन किन के पास गई है सीटें और किसने 140-150-150 के तक के उसमें दिख रहे थे, तो वो तो सब टॉपर बन जाएंगे, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, अब भी ये परीक्षा दोबारा हो सकती है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जी जांच के आदेश दे दिए, पुलिस सहायता करेगी यूपी पुलिस कि भाई जांच अगर कहां गलती हुई है, कैसे क्या लीक चीजें हुई थी, सच साबित होती है तो आपका पेपर रद्द होगा, दोबारा भी एग्जाम होगा। लेकिन दोबारा पेपर रद्द होगा तो कौन सी शिफ्टों का होगा, क्या सिर्फ सेकंड शिफ्टों का होगा दोनों दिन, या फिर चारों शिफ्ट का रद्द होगा, इस पर मैं अभी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा लगभग आज सुबह 11 बजे, ठीक है ना। अभी 3-4 घंटे बाद इसके लेके बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं। थोड़ी मैं जांच पड़ताल बहुत अच्छे से कर लूं क्या फर्स्ट 18 और फर्स्ट 17 की फर्स्ट शिफ्ट में भी कोई दिक्कतें हैं। अगर वास्तव में देखो, हवा हवाई में कहने में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हवा हवाई कुछ भी बातें कर लो, वो चीज गलत होती है। कुछ साक्ष्य मिलते हैं ऐसी चीजों के, तभी उस पर बात करेंगे अच्छे से। हाँ दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं, लेकिन 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा हिट है, बहुत ज्यादा पेपर लीक की संभावना है, संभावना के पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी भाई जांच चल रही है। भर्ती बोर्ड ने भी अपना जवाब दे दिया कि भाई हमने तो एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया और ये चीज सही भी है भाई, मैं तो बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोग कह रहे हो जी होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था इस वजह से नकल हुई है। होम डिस्ट्रिक्ट मिलने से ना 50 लाख में से 48 लाख खुश थे कैंडिडेट्स कि भैया हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, हमारा पड़ोस में एग्जाम लग गया। उनके माइंड में ये चीज नहीं है कि हमको नकल करनी है, कहां से नकल पहुंच जाएगी उनके लिए। पर हाँ ये चीज बहुत अच्छा किया गया था कि होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देके आपको नजदीक एग्जाम करवा दिया गया, ये आपके ही लिए फायदेमंद था। लेकिन फिर वही चीज है ना, अभी जब वहां पर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है तो हम लोग सवाल तो उठा देते हैं। गलती बच्चों की भी है, बच्चे ही अधिकतर आप अच्छा। अब मैंने देखा कमेंट्स आप ही लोग कर रहे थे, कई सारे कैंडिडेट कि मुझे क्यों नहीं मिला पेपर लीक, ऐसा मुझे भी मिल जाता मैं भी था। अरे यार, जब आप ही लोग ऐसा सोच के जाओगे ना तो फिर क्या ही होगा वहां एग्जाम में, तो फिर ये चीजें सामने आनी आनी है। बच्चे ही पैसे देते हैं तभी ये साल भर गएंगे, इतना एक्टिव रहते हैं। अगर आप पैसे ना दो, आप नहीं जो भी कैंडिडेट्स हो, आप ही वीडियो देख रहे हो मुझे पता है, अगर आप पैसे ना दो तो वो ना तो एक्टिव हो गए और ना फिर आपसे पैसे लेके ऐसे ठगी हो, ना पेपर लीक हो। जब आप ही गलती कर रहे हो, बच्चे ही तो गलती करते हैं। अभी क्या देखो, मैं आपको बता दूं, जब आप ही 15-20 लाख रुपए, 10 लाख, 12 लाख रुपए देके नौकरी लेना चाहोगे तो भाई ऐसी चीजें सामने आएंगी, सही है ना। तो पहले बच्चों को खुद सुधरना पड़ेगा। भर्ती बोर्ड बहुत अच्छा इस बार काम किया, सच बता रहा हूं मैं, मेरी नजरों में ना भर्ती बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, शासन ने भी बहुत अच्छा काम किया। इतनी अच्छी तरह से आपका एग्जाम इतनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा देना, ऊपर से इतनी बड़ी भर्ती निकाल देना, सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा था। लेकिन अब ये पेपर लीक जो हुआ ना लास्ट मोमेंट पे, इसने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया भाई। लेकिन इसके अभी भी जांच चल रही है, अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तो एग्जाम दोबारा होगा। एग्जाम दोबारा किन शिफ्टों का होगा, सेकंड का या चारों शिफ्टों का, इस पर मैं वीडियो अच्छे से अभी बनाऊंगा। अभी क्लियर नहीं है चीज, इसलिए अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता अपनी तरफ से, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपके लिए, जो एग्जाम है ना भाई, अभी पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा ना सोचो कि ये कोई पहली बार हो रहा है। हमारी शिफ्ट भी ऐसी दो कैंसिल हो चुकी थी, वहां पर सेकंड शिफ्ट कैंसिल हुई थी। वहां पर आरोप ये था कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था कुछ सेंटरों पर वही सेकंड मीटिंग में बांट दिया गया था, इसलिए सेकंड शिफ्टों के जितने एग्जाम थे दोनों दिनों के कैंसिल कर दिए थे, फर्स्ट के रह गए थे, सेकंड के कैंसिल कर दिए गए। इसलिए फर्स्ट वालों को 40-45 नंबर मिला था नॉर्मलाइजेशन में, हम लोगों को 2-4-5 नंबर ही मिले थे नॉर्मलाइजेशन के। ये अंतर रहा था हम लोगों के बीच, हमको 3 महीना फिर
एक्स्ट्रा टाइम मिला था पेपर का। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग क्लियर हो गए होंगे मेरी नजरों में, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी चर्चा चल रही, पेपर तो लीक हुआ है, देखो आप सभी के सामने है, हमारे भी नजरों के सामने है, लेकिन वही चीज है ना, अभी एकदम फांसी दे देना ये चीज न्याय नहीं होता, ठीक है ना। पहले उसकी जांच होती है, जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी होगी, सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। अभी आप लोग को वो डायरेक्ट कह दे जी हाँ ठीक है आपने कह दिया, हम भी कह दे रहे चलो फिर से परीक्षा करा लो, इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। अभी वो जांच पड़ताल करेंगे, जिनके घर में चोरी हुई है पहले वो बेचारे देख तो लें क्या हुआ क्या है आखिरकार, है ना, कैसे क्या हुआ है, कहाँ चूक हुई है, कैसे क्या हुआ है, पूरी जांच अच्छे से करके वो खुद, जब उनके पास खुद साक्षी ये सब जाएंगे तो वो खुद देखेंगे कि हाँ चीज ये तो चीज भाई सत्य है, चलो भाई इस पर एक्शन लिया जाए, है ना। तो अभी आदेश आएगा, आप लोग टेंशन ना लो, आज शाम तक वेट करो, शाम तक ही मुझे लग रहा है जो आदेश आ जाएगा आपके लिए कि भाई इस भर्ती में क्या होने वाला है, ठीक है। फिलहाल उन्होंने आज रात में ही बता दिया था कि ये चीजें हुई हैं भाई, वायरल हो रही, हमने एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो हम यूपी पुलिस की सहायता से हम भाई इसकी जाँच कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी इसकी जाँच चल रही है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।